Assalamu alaikum everyone. I think Autumn has said a lot to me, and I learned a lot. I think I have taken a couple of notes to take it back, because one thing which we need to, which is connected to take, that if you have to survive, you need to have the burning fire to actually learn. I think isme do teen cheeze hain, if I have to be very quick and fast, that कुछ काम हैं कंपनी के, उनमें अगर मैं एक लफ्ज़ बोल दूं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है. अगर आपने कल्चर ऑफ रिटेंशन क्रिएट करना है, तो इम्पैक्ट किसका किस तरह है, कंपनी कैसे मेजर होती है, लोग किस तरह मेजर होते हैं, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, दैट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंटली एब्सोल्युटली क्लियर. वी नीड टू नो दैट व्हाट कंपनी जो अचीव करती है, उसमें मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है. और दूसरी जो चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी. वो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर्स में बहुत कम होती है. वो खौफ निकालना है, जिसकी वजह से मैं या कोई भी अपनी एनथ लेवल की पोटेंशियल पे छोड़ने का सही वक्त पे सोचूंगा. अगर वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी एग्जिस्ट करती होगी, तो मैं खुद ही इम्पैक्ट भी क्रिएट करूंगा, खुद ही लोगों को मौका भी दूंगा. और अगर मुझे लगेगा कि मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी. आई विल हैव दैट करेज टू दैट नाउ इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन. एम्प्लॉय तो, और एम्प्लॉय की जो एंगल पे है, वो बहुत अच्छी अच्छी सब ने बातें की हैं, मेरे ख्याल में मैं उसमें ऐड नहीं कर सकूंगा. बट एक ही चीज़ है जो इसी का फ्रूट है, कि अगर आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी सही तरीके से क्रिएट कर देते हैं, तो वो तब मुझे वो मौका मिलता है कि जी मैं अपने पूरे पोटेंशियल के अंदर तन मन धन लगा के, जिस तरह के विजन के साथ, लेट्स से मुझे नेबलर्स का पता ही नहीं था अभी तक, बट जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, जो तरबियत का वो लफ्ज़ है कि हम लोग सब 9 to 5 मार्क बहुत करते हैं, उसी लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी की तरफ से एम्प्लॉयर्स को इशू होते हैं, एम्प्लॉय को इशू होते हैं. लेकिन अगर वो चीज़ें हम लोग किसी तरीके से अपनी वैल्यूज़, एथिक्स और उसमें क्रिएट कर लेना, कि मैंने अगर ये जो काम करना है, उसका कंपनी को इम्पैक्ट होता है, मेरी अपनी ज़िंदगी में इधर भी इम्पैक्ट होता है, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर भी इम्पैक्ट होता है. तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी किसी ने बात की थी, मैं भूल गया हूँ, उनमें से किसी ने की थी, कि रिटेंशन करनी नहीं पड़ती, हो जाती है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट माय व्यू इज. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड्स अ लॉट. यस, टेक इज़ अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री, इनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. मैं मैन्युफैक्चरिंग से आता हूँ, आप भी वहाँ से आई हुई हैं, BAT या उधर, उनके बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. अब मेरे ख्याल में उस सारे मिक्स में ये बहुत ऐड हो गया हुआ है कि इस वक्त की जो आपकी जनरेशन या हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पाकिस्तान का जो यूथ है, उनका अपना एक माइंडसेट है. शायद उनमें से बहुत सारे जी हैं, लेकिन पता नहीं उनकी कितनी रेजोनेंस है टू ग्लोबल जीज, एंड दैट पुट्स यू मी एवरीवन आई थिंक सिटिंग हेयर एंड ऑल दीज ग्रुप्स टू एक्चुअली नाउ फोकस ऑन टू क्यूरेट दैट नॉलेज विच इज़ एक्चुअली मेकिंग देम प्रोडक्टिव. अदरवाइज हम लोग ये सारी की सारी, जो कई दफ़ा आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने करियर में सारी थियोरीज वेस्टर्न वर्ल्ड की अप्लाई करने की कोशिश करता रहा हूँ, कि मेरे पास लोकल थियोरीज रिसर्च इस तरह है ही नहीं किसी क्यूरेटेड फॉर्म पे, कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पे रिटेन करने के लिए कौन सी चीज़ें मांगता है, उसको क्या चीज़ें रिटेन करने के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, प्रॉस्पर करने के लिए हो सकती हैं. इस तरह के सारे इनिशिएटिव्स उसमें मुझे लगता है बहुत हेल्प करते हैं. सिर्फ उनको फॉर्मली अगर हम क्यूरेट करके वाइडर पब्लिसाइज कर सकें, तो मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. Thank you, Mohsin Saab. Or he said it very well, that combination of understanding local culture, your generation, and understanding the international global practices, theories. I think implementation of both will help all of us a lot in terms of retaining right talent and making that impact we are talking about.